Hello everyone, welcome back to the channel of Broadway A2E Academy. This is Vimalpreet Kaur and today I am going to discuss with you some very common mistakes that we make when we are conversating in English. बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो अक्सर हम करते हैं जब हम बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में. तो पहली मिस्टेक आती है whom to speak. जब हमने इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है हमें पहली चीज़ नहीं पता होता कि हमने किस पर्सन से बात करनी है. हमारे अराउंड हमारे सराउंडिंग्स में बहुत कम लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं या फिर जिनको इंग्लिश समझ में आती है या जो आपके इंग्लिश की मिस्टेक्स निकाल सकते हैं जब आप बातचीत कर रहे हो इंग्लिश में. तो हमने क्या करना है, पहली चीज़ जब हम इंग्लिश में बातचीत करनी शुरू कर रहे हैं या फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस, हम ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऐप्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं जो फ्री हैं, हम उन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज़ करता है, सोशल साइट्स हम यूज़ करते हैं, वी कैन ट्राई टू फाइंड पीपल हु कन्वर्सेट इन इंग्लिश ऑन सोशल साइट्स और सोशल ऐप्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू. हम इस तरह के ऐप्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हम किसी भी पर्सन से इंग्लिश में बातचीत कर सकें ईजिली और वो पर्सन हमारी इंग्लिश की मिस्टेक्स हमें बता सके या फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है उसे बूस्ट कर सके, हमें बता सके कि हमें किस तरह से स्पीकिंग करनी है इंग्लिश में, सो दैट हमारे पास पर्सन हो जिससे हम बातचीत कर सकें. देन नेक्स्ट, हम बातचीत कर सकते हैं हमारे फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से. हमारे फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में से चाहे किसी को इंग्लिश आती है चाहे नहीं आती, अगर तो उन्हें इंग्लिश आती है तो इट्स वेल एंड गुड कि वो हमें हमारी मिस्टेक्स बता सकेंगे और हमारे साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे जिससे हमारी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा होगी. बट अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो भी हम उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिकॉज हमारी प्रैक्टिस उससे ज़्यादा होगी, हम प्रैक्टिस में लैक नहीं करेंगे जब हम किसी से बात कर रहे हैं. The next thing is words not coming to mind. जब हम इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, फ्रेजेज हैं, idioms हैं, वो दिमाग में नहीं आते. जस्ट बिकॉज हमें उन वर्ड्स का पता ही नहीं है, हम प्रैक्टिस जब कर रहे हैं हम उन वर्ड्स को रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम अगर प्रैक्टिस करते हैं उन वर्ड्स को एक बार यूज़ करते हैं और दूसरी बार यूज़ करते टाइम हम उन वर्ड्स को भूल जाते हैं. सो ट्राई टू प्रैक्टिस opening your subconscious mind. जब हम subconscious mind से वो words याद रखेंगे, phrases याद रखेंगे, idioms याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा easy रहेगा जब हम practice कर रहे हैं, speaking दे रहे हैं उस time पे उनको use करना. So try to practice for hours, चाहे आप दिन में एक घंटा निकालिए, दो घंटे या तीन घंटे या ज़्यादा, वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप वर्ड्स, फ्रेजेस और idioms को अपने एक पेपर पे या नोटबुक पे कहीं पे भी नोटपैड पे लिख लीजिए ताकि आपको जब यूज़ करना है स्पीकिंग में आपको पता हो कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है और आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है. द नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मेकिंग टू मेनी मिस्टेक्स. When we are speaking in English, when we are conversating, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं क्योंकि English is not our mother language. हमें English use करने की आदत नहीं है, हम बचपन से इस माहौल में बड़े नहीं होते जहाँ पे English में ही बातचीत होती हो. So practice slowly, अगर हम धीरे धीरे practice करेंगे, धीरे धीरे English बोलना शुरू करेंगे, only then we will be able to make less mistakes. ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार start करें और हमारी कोई भी mistake ना हो. ट्राई कर सकते हैं हम बिगिनिंग में कि हम कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लें, चाहे वो ऑनलाइन हम परचेज करें चाहे हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं ग्रामर की, सो दैट हमें पता चले कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम ना करें, हमें ग्रामर की मिस्टेक्स का पता चले. ग्रामर की बुक्स पढ़ने के बाद आप मूव कर सकते हो ऑनलाइन कुछ भी ऐसा सर्च करने के थ्रू जहाँ से आपको मिस्टेक्स का पता चले. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग हम अपनी स्पीकिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि हम खुद अपने खुद को इवैल्यूएट कर सकें जब हम अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनको सुन रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज फीलिंग नर्वस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन हमारे सामने हैं, अगर हम उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हम कोई भी मिस्टेक बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन हमारे ऊपर हंसेगा. सो डोंट थिंक लाइक दिस कि सामने वाला पर्सन आप पे हंसेगा, बिकॉज जब आप इंग्लिश बोल रहे हो या फिर जब आपके साथ कोई इंग्लिश बोल रहा है यू डोंट लाफ ऑन दैट पर्सन क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, आपका क्या लेवल है इंग्लिश में. तो जब आप उन पे नहीं हंसते हैं सो हाउ कैन अदर
other person, how can other people laugh on you when you are speaking with them in English? So फर्स्ट ऑफ ऑल ये डर जो है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई आप पे हंसेगा या कोई आपको जज करेगा. इफ पीपल आर लाफिंग ऑन यू दैट इज कम्प्लीटली फाइन, लेट देम लाफ. आप अपनी इंग्लिश को इफेक्ट मत होने दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसे लूज मत कीजिए, उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें प्रूव कीजिए, उनका जो हंसना है आपके ऊपर, आपकी इंग्लिश के ऊपर, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए. अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप इतनी ज़्यादा कीजिए कि उनको मौका ही ना मिले आप पे हंसने का, आपको जज करने का या आपकी मिस्टेक्स निकालने का. देन द लास्ट थिंग इज़ हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो पॉइंट आता है दैट इज़ ट्रांसलेशन और थिंकिंग इन इंग्लिश. हम जब सोचते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई भी बातचीत सुनते हैं या कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्वेश्चन हमें कोई बोलता है, उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन को, उस स्पीकिंग को ट्रांसलेट करते हैं एंड देन वी स्पीक. उसको इवेलुएट करने में, उसको ट्रांसलेशन करने में बहुत टाइम जाता है, बट हम जब किसी को जवाब दे रहे हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना सोच सकें. सो व्हाट वी कैन डू इज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई कर सकते हैं कि हम वेबसाइट्स का, मूवीज़ का, पॉडकास्ट का देन राइटिंग कर सकते हैं हम इंग्लिश में, ताकि हमारी जो थिंकिंग, जो हमारी ट्रांसलेशन है उसको करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे. हम एक ऐसे माहौल में बैठ जाएं जहाँ पे इंग्लिश आना बहुत इजी है, जहाँ पे हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम बोल सकते हैं, सो दैट जब आप किसी के साथ बोल रहे हो आपको ट्रांसलेशन की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े. और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही दिन में नहीं हो जाएंगी, ये प्रैक्टिस के साथ होगा. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में. सो इन कॉमन मिस्टेक्स को ख़त्म कीजिए अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग में, और मुझे बताइए कि आप किस तरह से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज की मैं वीडियो यहीं पे कंक्लूड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिन्हें ये कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो लोग, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.